हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बेड़े में ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो कि हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस की हिस्सा है। ये भारत की एक ऐसी हथियार है जिसके थ्रू भारत को अपने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था। और ये मिसाइल क्या कर सकती है और ये कितना ज़्यादा लीथल वेपन है, ये हम सबको पता चल चुका है पिछले दिनों की कुछ घटनाओं से, जब भारत की तरफ से गलती से फायर की गई एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के 240 किलोमीटर अंदर तक चला गया और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि ये मिसाइल गलती से फायर किया गया था या फिर इसको जानबूझ के फायर किया गया था, ये एक अलग ही डिबेट का मुद्दा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अभी ब्रह्मोस के जितने भी नए वेरिएंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, उन सभी की जो डेवलपमेंटल ट्रायल है उसको अगले साल यानी 2023 से शुरू किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मोस के काफ़ी सारे नई वेरिएंट्स के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। सबसे पहले आती है ब्रह्मोस की एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट। अभी के जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट के ऊपर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अभी काम किया जा रहा है। अभी के जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो लगभग 450 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और अभी इसको बढ़ा के एक 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस के वेरिएंट के ऊपर काम किया जा रहा है। इसके बाद में आते हैं ब्रह्मोस एनजी, जो कि अभी के ब्रह्मोस मिसाइल की एक लाइटर वेरिएंट है। अभी के समय हमारे जो ब्रह्मोस की एयर लॉन्च वेरिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 एमकेआई से फायर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका वेट ही इतना ज़्यादा है और इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि सुखोई 30 एमकेआई के सिवाय इंडियन एयरफोर्स की किसी भी फाइटर जेट के द्वारा इसको कैरी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अभी ब्रह्मोस की एक हाइपरसोनिक वेरिएंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है जिसको हम ब्रह्मोस 2 के नाम से जानते हैं और इसका जो स्पीड होने वाली है वो लगभग 6 मिक के ऊपर की होने वाली है। यानी ये मिसाइल जो होगी वो आवाज़ से 6 गुना तेज़ होगी और इस हालत में अगर देखा जाए तो किसी भी दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की टास्क होने वाली है। और सच्ची में ये जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल होगी वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक गेम चेंजिंग वेपन साबित होगी। और इसके अलावा अभी ब्रह्मोस के एक एयर टू एयर वेरिएंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है जिसको भारत की तरफ से किसी भी दुश्मन की टैंकर या फिर एवेक्स जैसी बड़ी एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ये सभी वेरिएंट कब तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हिस्सा बन पाएंगे और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हिस्सा बनने के बाद ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत में कितना ज़्यादा इजाफा करेगी, आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।